आज का इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग करके दिखाने वाला हूँ। यूजर आईडी कैसे बनाएंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे बनाएंगे और इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज करेंगे। तब क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए क्रोम ब्राउज़र में आना है, वहाँ पर आपको BOI लिख के सर्च करना है या फिर बैंक ऑफ इंडिया टाइप करके सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया और इसी के नीचे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट आएगा bankofindia.co.in, ये बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग के लिए है। इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरनेट बैंकिंग के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ इंटरनेट बैंकिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, पर्सनल, कॉरपोरेट, ग्लोबल। आपको पर्सनल पे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से डिस्क्लेमर आएगा। नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको एग्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एग्री का ऑप्शन है, एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरनेट बैंकिंग का पेज ओपन हो चुका है। अब इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए यहाँ पे देखें लॉगिन करना है, इसके लिए यूजर आईडी, पासवर्ड, ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे डाल के नीचे सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम है तो न्यू यूजर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अगर आपको आता है क्रिएट करना तब खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा है व्यू ओनली सिलेक्ट फैसिलिटी, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको व्यू एंड ट्रांजेक्शन वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको व्यू भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, ये कैप्चा कोड यहाँ डाल के कंटिन्यू करना है। उसके बाद OTP वगैरह आएगा, वो डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप लॉगिन कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे और किस तरह से इंटरनेट बैंकिंग के लिए अंदर जो फैसिलिटी होता है वो किस तरह होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे आप हासिल करेंगे, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि यूजर आईडी या पासवर्ड कैसे बनाए तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर यूजर आईडी या पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब लॉगिन हो जाएंगे। जब लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर देखें अकाउंट यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, NFT कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है। तो बहुत आसान है, आपको अकाउंट नंबर और अमाउंट डाल के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सब कुछ डिटेल के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें RTGS है, NFT है। अब यहाँ देखें पे टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पे टैक्स के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई कार्ड सर्विस लेना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। देखें यहाँ पर डिमांड है और यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब सवाल आता है कि अब इसमें आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे हासिल करेंगे। सबसे मेन होता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड के लिए एक फॉर्म आता है, यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर देखें न्यू यूजर के लिए फॉर्म यहाँ पर है। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाना नहीं आता तो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके बैंक जमा कर सकते हैं, बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन पासवर्ड चाहिए तो उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए न्यू यूजर है, अगर आपको यूजर आईडी या पासवर्ड क्रिएट करना नहीं आता है तो न्यू यूजर वाला फॉर्म को डाउनलोड करना है, ये वाला फॉर्म, इसे फिल करना है और इसे बैंक में जाके सबमिट करना है। वो क्या करेगा, आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करके दे देगा आपको, आपको बाय पोस्ट घर पर भेज दिया जाएगा। अगर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड चाहिए तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड पर क्लिक करके ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ देखें ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, ये फॉर्म जो है ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रांजेक्शन पासवर्ड के लिए। अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से बना हुआ है तो ये फॉर्म डाउनलोड करिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड और इसे फिल करिए, बैंक में सबमिट करिए। उसके बाद देखिए पासवर्ड एक्नोलॉजमेंट है, अगर ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपके घर पे आ जाता है आपके साथ एक फॉर्म भी आता है। अगर मान लीजिए फॉर्म बाय मिस्टेक गुम हो जाता है, खो जाता है, तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करके ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एक्टिवेट करने के लिए ये फॉर्म भरना है और बैंक में जाकर जमा करना है। अब इतना करना, तो जब आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपके घर पर आ जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, तब आराम से नेट बैंकिंग कर सकते हैं। अब कैसे नेट बैंकिंग करेंगे वो मैं बताऊँगा। जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, यानी बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको पे पे क्लिक कर देना है। जैसे पे पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो बैंक ऑफ इंडिया है और इंटरनेट बैंकिंग के लिए दो ऑप्शन है, फर्स्ट में सेकेंड में। आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग का जो पेज होता है वो ओपन हो जाएगा। अब सिंपली सा यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे और आप इंटरनेट बैंकिंग में इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ का भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका यहाँ पर रिमार्क लिख सकते हैं कि किस चीज़ से आप पेमेंट कर रहे हैं, वो रिमार्क यहाँ पर डाल के नीचे से पे क्लिक कर देना है। जब पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है
जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को कॉपी करना है और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है और नीचे सबमिट करना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। जो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिला होगा या फिर आप चेंज किए होंगे वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर डाल के कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट है प्रोसेस में चला जाएगा और थोड़ी देर बाद आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें सिर्फ आपको यहाँ से ओके कर देना है, इस तरह से आपका डेबिट हो जाएगा जो भी अमाउंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे हटाना है और हटाने के बाद यहाँ से आपको नीचे से ओके कर देना है। देखें यहाँ लिखा हुआ योर पेमेंट सक्सेसफुली, और यहाँ से जब आप ओके करेंगे और आप जिस चीज़ का भी इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी पैसा कटा रहे हैं, वो यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है और प्रोसेस लेने के बाद अब यहीं पर थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे अगर लगान रसीद है, जिससे मैंने लगान रसीद किया था, यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप आपको मालूम चल गया कि इस तरह से आप मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल